का मौका दिया। मैं इससे कबल 25 साल तक बाद बिहार से हल्के यादवपुरे के एक एमएलए की हैसियत से, आपके खिदमत गुजार की हैसियत से मैं काम करता रहा और छठी मरतबा मुझे आपके दरमियान में काम करने का मौका मिल रहा है। मुस्लिम आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। अलहमदुल्ला मजिद मुस्लिम हमने मैदान में काम करते आ रही है। आज जैसा कि लोगों की सोच ये होती है कि मुंतजमा नुमाइंदों की जिम्मेदारी नल लाइट मोरी की हद तक महदूद रहती, लेकिन अल्लाह के बंदा करम से मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में भी तरक्की की। आज वो साबित सदर हमारे दरमियान में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन साहब ने मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को महसूस करते हुए 1984 के दहे के अंदर दक्कन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया और उस वक्त के सरमाएदार और दानिशवर ये कह रहे थे कि क्या मैंने मुस्लिमीन मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज चला सकती है। वो लोगों की सोच हुआ करती थी कि मैंने मुस्लिमीन पुराने शहर के रिक्शे वाले और मंडी वालों की जमात है, लेकिन आज मैंने मुस्लिमीन ने कर दिखाया कि मैंने लतियाद मुस्लिमी तालीमी मैदान में जो तरक्की की आज आपके सामने आए। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज से हटकर भी एमबीए एमसीए नर्सिंग और प्राइमरी स्कूल चलाए जा रहे हैं। आज सारे मुल्क के अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी जमातें हैं, लेकिन कोई ऐसी नजीर नहीं मिल सकती जिस तरीके से मजिद मुस्लिमीन ने तालीमी मैदान में तरक्की की। अल्हम्दुलिल्लाह आज के जमाने के अंदर तालीम बेहद जरूरी है। जब तक इंसान के अंदर तालीमी शऊर बेदार नहीं होता तो उसमें अच्छे और बुरे की तमीज पैदा नहीं होगी। लेकिन ये बड़ा अच्छा का कर्म है कि आज 15-20 वर्ष के अरसे के अंदर हमारे मुसलमान भाइयों में और हमारे दलित भाइयों के अंदर आज एक तालीम का शौक हो रहा है और मजिद प्यार मुस्लिमीन भी तालीम के सेवन से आरास्ता करने के लिए आज हमने की तो जहद करते आ रही है। तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि मजिद प्यार मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं है। हालिया इंतखाबात के अंदर मजिद मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं आप उन तमाम को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें, और जब भी इलेक्शन होता है तो मुखालिफिन मजलिस ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से मजिद मुस्लिमीन को कमजोर किया जाए। मुख्तलिफ किस्म की बातें कही जाती हैं, तो मेरी आपसे यही अदबन गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का इस्तेमाल मजिद मुस्लिमीन के हक में करके मजिद मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से मुंतखब करें। शुक्रिया। साथियों बढ़ते चलो बढ़ते
शबे गम तोड़ दिया, अब जाग उठे दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे।